hello students i hope you guys are doing well i'm dr rao uh, welcome to my youtube channel mathematics by dr Ran rao today i'm going to deal with some applications on the derivatives of the composite functions for the multivariate functions so as i am going to discuss here a uh, number of lectures on the multivariate calculus as the partial differentiation so i request each and everyone go through all the videos you will enjoy really there okay so guys uh, before going to the further study about the cautions based on the composite functions and their differentiations, i request each and everyone like, share and comment the videos among your friends and classmates. okay, and press the bell icon to get the further notification and subscribe my youtube channel also. okay, it's an humble request for each and everyone. so now, guys, i am going to deal with a very interesting topic. okay, that is the derivative of the कंपोजिट फंक्शन सो फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन दिस फंक्शन हेयर ओके सो वाट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन बहुत छोटा छोटा काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं और इसकी डेप्थ के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि कंपोजिट फंक्शन का ऐसे पहले वाला वीडियो लेक्चर आप प्रॉपर देखें बहुत अच्छे से देखें तो आपको वहाँ पे सारी एनलाइसी उसकी मिल जाएगी उसी का कंट्रीब्यूशन लेक्चर हम यहाँ पे डील कर रहे हैं है ना तो यहाँ पे आपके पास गीवन एक फंक्शन है है ना गिवन क्या है हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है u इज इक्व टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड देखिए मजाक किसी भी टर्म में हो सकता है किसी भी वक्त हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है और मैथमेटिक्स तो मजाक से भरा हुआ है देर इज़ नथिंग बट अदर नथिंग बट मैन्युपलेशन्स ओके पे से ही होता है उसके अलावा कुछ नहीं है छोटे छोटे फार्मूलाज हैं छोटे छोटे स्टेप्स हैं है ना यहाँ पे u आपको एक मल्टी मल्टीवेल्यूड फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z और ये दे दिया आपको f ऑफ y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई देखने में बड़ा अजीब लग रहा है बस एक मजाक के तौर पे यहाँ पे है और इसके अलावा इसमें कुछ भी हमने बड़ा काम नहीं किया तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें लेट कर लें लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस जेड है ना ये स्मॉल एक्स वाई जेड आपने कैपिटल एक्स इक्व टू ये कंसिडर कर लिया और कैपिटल वाई इक्व टू आपने कंसिडर कर लिया जेड माइनस सिक्स और कैपिटल जेड इक्व टू आपने कंसिडर कर लिया एक्स माइनस वाई राइट लेट दिस देन आपका जो फंक्शन दिखाई देगा वो कुछ ऐसे दिखेगा यू इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई एंड जेड एंड वेयर कैपिटल एक्स वाई जेड आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड राइट आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आपका कैपिटल एक्स भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा वाई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और जेड भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो आपने क्या करना है एक्चुअली प्रूव क्या करना है एक बार उसको देख लीजिए आप यू ओवर डेल एक्स प्रूव करना है अपने यू ओवर डेल वाई प्लस यू ओवर डेल जेड इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे यू जो दिया हुआ है आपका देखो यहाँ पे कितना छोटा सा काम करना होता है यू आपका फंक्शन है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का है ना और ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है वो किसके फंक्शन है ये तीनों फंक्शन है एक्स वाई और जेड के और आपने डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है राइट तो आपको चलना कैसे होगा पहले डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स फिर डेल के कैपिटल एक्स इज अगेन अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स फिर से आपने ऐसे आपने यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में चलना है ऐसे ही आपने वाई के रेस्पेक्ट में पहले चलना है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एंड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जो भी है वाई आप कर रहे हैं तो आप इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे यहाँ पे दो दो स्टेप आपको लेके कर चलना है तो देखो यहाँ पे थोड़ा होछ पोछ हो गया फिर से आपको बता दे रहा हूँ ये हमारे पास गिवन है ठीक है वाई यू इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड राइट एंड कैपिटल एक्स वाई जेड इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड तो आपने क्या करना है कि डेली यू ओवर डेलेक्स निकालना है तो डेली ओवर डेलेक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेल uh, यू पहले हम डेल यू और ओवर डेल कैपिटल एक्स जाएंगे है ना यानी कि यू से आपको स्मॉल एक्स जाने के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल से होके गुजरना है और कैपिटल एक्स भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो इसका भी पार्सल डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स राइट अब आपने क्या करना है यहाँ पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती फिर हम आगे बढ़ते हैं देन प्लस डेल यू ओवर डेल वाई भी हमारे रास्ते में पड़ता है कैपिटल वाई तो डेल वाई भी मेरा एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्शन वाई इसका भी पार्सल डेरिवेटिव हो गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन डेल यू और डेल जेड जेड मेरा रास्ते में पड़ेगा फिर से जेड का जेड भी मेरा एक्स वाई जेड का एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो उसका भी मैं पार्सल डेलीवेटिव करूँगा तो ये मेरा डेल डेली ओवर डेल डेलेक्स कैलकुलेट होगा ऐसे राइट अब डेल यू ओवर डेल डेलेक्स कैलकुलेट करने की देखो डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स को तो मैं छेड़ूंगा नहीं इसको तो मैं एज इट इज़ लिख लूंगा है ना क्योंकि u मेरा कैपिटल एक्स वाई जेड का फंक्शन है लेकिन फंक्शन है क्या वो नहीं गिवन है बस ये है कि कैपिटल एक्स वाई जेड का फंक्शन है है ना यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो u योअर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड बट फंक्शन क्या है वो गिवन नहीं तो किसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने जाए लिव इट इसके बाद कैपिटल एक्स मेरा क्लियर है कि किसका फंक्शन है कैपिटल एक्स मेरा वाई माइनस जेड का फंक्शन है और पार्शियली डिलिविटी मेरे को करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे एक्स मेरा क्या है नजर नजारा है ही नहीं दोनों वेरिएबल मेरे कांस्टेंट ट्रीट हो गया इसका डिलीविटी हो गया जीरो दैट्स इट अभी मेरे को आगे बढ़ना है डेल यू ओवर डेल वाई मेरे को इसको छेड़ना नहीं ऐसे रख लेना है डेल वाई ओवर डेलेक्स की बात करते हैं तो डेल वाई ओवर डेलेक्स यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है डेल वाई ओवर एक्स यानी कि वाई का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है यहाँ पे माइनस का वन दैट्स इट अभी मेरे को यू ओवर डेल कैपिटल जेड इसको यू ओवर डेल कैपिटल जेड को मुझे छेड़ना नहीं है ना यू ओवर डेल कैपिटल जेड को मेरे को नहीं छेड़ना है और डेल जेड ओवर डेलेक्स की बात करते हैं तो डेल जेड ओवर डेलेक्स की बात करते हैं इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे वन है ना तो यहाँ पे हमारा ये निकल जाता है डेल यू ओवर डेल एक्स सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द डेल यू ओवर डेल वाई भाई वो ही सेम प्रोसेस करना है क्या आपने डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स के, के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है वाई तक पहुँचने के लिए फिर डेल कैपिटल एक्स मेरा एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है एक स्मॉल एक्स वाई जेड का उसको वाई के रेस्पेक्ट में कर देना है देन प्लस डेल यू ओवर डेल कैपिटल यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा और कैपिटल वाई को मैं पर्सनल डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल वाई एंड देन डेल यू ओवर डेल एक्स वाई जेड जेड में जाएंगे कैपिटल जेड में जाएंगे राइट एंड द डॉट कैपिटल डेल जेड ओवर डेल वाई ओके अभी इसको सिंपलीफाई करते हैं देखो डेल यू ओवर डेल एक्स को मेरे को कैपिटल एक्स को छेड़ना नहीं है तो क्योंकि यू मेरे कैपिटल एक्स वाई जेड का फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है क्या मेरे को नहीं पता उसको छेड़ना नहीं है लेकिन कैपिटल एक्स मेरा क्लियर है कैपिटल एक्स मेरा है वाई माइनस जेड ये वाई माइनस जेड इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में इस ये वैल्यू दे रहा है मेरे को वन क्योंकि सारे को सारी चीज़ें सारे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ट्रीट हो गए तो ऐसे यू ओवर डेल कैपिटल वाई को मेरे को नहीं छेड़ना है और डेल वाई ओवर स्मॉल वाई अब वाई की बात करें वाई मेरा ये फंक्शन है इसमें वो स्मॉल वाई है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो है ना अब मैं बात करता हूँ डेली यू ओवर डेल जेड अच्छा कैपिटल जेड और कैपिटल जेड मेरा किसका फंक्शन है कैपिटल जेड जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स और वाई का फंक्शन है वाई के रेस्पेक्ट में देगा मेरे को माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे मेरा ये बन गया सिमिलरली मैं क्या करता हूँ डेल यू ओवर डेल स्मॉल जेड की बात करता हूँ तो ये लिखा जाएगा डेल यू डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल जेड स्मॉल जेड एंड देन प्लस डेल यू बिल्कुल सेम पेरल स्टेप्स करने हैं भाई कुछ भी नहीं करना है बहुत छोटे छोटे से काम अपने आप ही करने होते हैं ठीक है और यही छोटे छोटे काम की वजह से ना आपका फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस जाता है तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखें ठीक है और यहाँ पे आने वाला है मेरा डे कैपिटल जेड और डेल जेड अपोर स्मॉन्टेड जेड तो यहाँ पे ये मेरे को मिलने वाला है डेली ओवर डेलेक्स तुम्हें मेरे को ऐसे ही रखना है डेली ओवर डेलेक्स कोई कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ में राइट और डेलेक्स ओवर डेल जेड का वैल्यू मेरा क्या आता है यहाँ पर मेरे को एक बार देख लेना है मेरा कैपिटल एक्स वाई और जेड का फंक्शन है जो कि मेरे को वाई माइनस जेड है तो ये, ये दे देगा वाई माइनस वन वाई का डेरिवेटिव जीरो ठीक है देन प्लस डेल यू ओवर डेल वाई की मैं बात करता हूँ इसको ऐसे रहने देना है और डेल वाई ओवर डेल जेड तो डेल वाई ओवर डेल जेड की बात करें वाई को एक बार देख लें वाई की जो फंक्शन है जेड माइनस एक्स है ठीक है तो जेड माइनस एक्स तो ये वैल्यू मेरे को दे देगा यहाँ पे वन ठीक है इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल जेड और यहाँ पे जेड मेरा जो फंक्शन है वो जेड का है तो कैपिटल जेड जो मेरा फंक्शन है वो स्मॉल जेड का है और स्मॉल एक्स माइनस वाई ठीक है तो ये आपका दे देगा ज़ीरो राइट ये आपका दे देगा यहाँ पे जीरो उसमें स्मॉल जेड की टर्म्स है ही नहीं अभी आपने क्या करना है तीनों रिलेशंस को ये वाला रिलेशन राइट नंबर एक और ये रिलेशन आपका नंबर टू इन दोनों तीनों रिलेशन को आप एड कर लेंगे तीनों रिलेशन को जब ऐड करेंगे देखो डेली ओवर डेल एक्स प्लस डेली ओवर डेल वाई प्लस डेली ओवर डेल जेड तीनों एक साइड में प्लस होगी इधर क्या मिलेगा आपको डेली यू ओवर कैपिटल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स कैपिटल एक्स है ना पहली बात ये आपका जीरो हो गया ठीक है डेली ओवर डेल वाई माइनस में है और डेली ओवर डेल वाई प्लस में ये आपका कैंसिल हो गया इससे राइट डेली ओवर डेल जेड आपका प्लस में है डेल यू ओवर डेल जेड आपका यहाँ पे माइनस में ये हो गया कैंसिल से अच्छा डेली ओवर डेलेक्स आपका प्लस में है ये आपका माइनस में ये कैंसिल इससे हो गया और बाकी ये तीनों जीरो हो गए ये भी जीरो है जीरो का मल्टीप्लायर ये भी जीरो का मल्टीप्लायर भी तो आपका राइट हैंड साइड में तो जीरो बन गया और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया डेल यू ओवर डेलेक्स ऑन एडिंग है ना ऑन एडिंग वन टू एंड थ्री इन तीनों को जोड़ने पर ठीक है इन तीनों को जोड़ने पे डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई देन प्लस डेल यू ओवर डेल जेड राइट एंड देट इज इक्वल टू जीरो ओके हैंड्स प्रूव ये देखो छोटा छोटा सा काम होता है इसमें कुछ भी बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन का वर्किंग मेथोलॉजी इसकी बहुत आसान होती है काम इसमें बहुत ही हमें सिंपल सिंपल करना होता है ठीक है बिकाइज अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो टेलर सही क्वेश्चन है राइट right? सोल्यूशन हम इसकी बात करते हैं सोल्यूशन की तो इन टर्म्स ऑफ द सोलूसन पहले हमें जो गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो अब देखो इम्प्लीसिट फंक्शन की याद दिलाएगा ये ठीक है जो हमने कॉरोलरी वन और इससे पहला जो लेक्चर है हमारा कंपोजिट फंक्शन जो लेक्चर वन है ठीक है डायरेविटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन उसमें हमने स्टडी किया है तो गिवन ये है अब हमारे पास है ना और हमें शो ये करना है यहाँ पे ठीक तो यहाँ पे हम काम क्या करते हैं सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि एफ ओ फैक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो तो यहाँ से मेरा डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स मेरा यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का एफ वाई एंड देन एफ एक्स राइट इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ देखो कंपोजिट फंक्शन के लिए फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि गो द प्रीवियस वन लेक्चर वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा वहाँ पे एक कॉरोलरी हमने डेप्थ में स्टडी की है ठीक है अगर मेरा एक इम्प्लिसिड फंक्शन है इस तरह का तो वहाँ पर डीवाई ओवर डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी तरीके से सिमिलरली आई कैन राइट ईयर आई कैन राइट ईयर सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का फाइव एक्स और फाई एक्स राइट वेटरी मिनट यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की थी कि डी वाई ओवर डी हमारा आता है माइनस का एफ एक्स अपन एफ वाई ठीक है एफ एक्स आप जानते हैं ना पार्सल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अभी ठीक है अभी ये हमारा दोनों फार्मूला ठीक है अब हम क्या करते हैं इसमें हमें प्रूफ क्या करना है एक बारी वो देख लेते हैं हमें ये प्रूव करना है तो हम एक काम करते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं राइट क्या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स और डेल वाई ओवर डेल जेड तो डेल वाई ओवर डेल एक्स और डेल वाई ओवर डेल जेड या आप ये देखिए कि आप यहाँ पे डी जेड ओवर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी जेड ओवर डी एक्स को हम ये चीज़ लिख सकते हैं राइट वी कैन राइट डी जेड ओवर डी एक्स एज डी जेड ओवर डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स बहुत छोटा सा काम यहाँ पे कर रहे हैं ना क्योंकि जेड आपका किसका फंक्शन है भैया देखो यहाँ पे देखो जेड में जो रिलेशन है आपके पास वाई और जेड में रिलेशन है ठीक है तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सनली डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि आप वाई का करेंगे जेड को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन है आपका तो इन दोनों से आपने ऐसे केच करना है ठीक है इसके बाद अपने डी जेड ओवर डी वाई जैसे डी जेड ओवर डी एक्स और यहाँ पे डी जेड ओवर डी वाई की वैल्यू हमने निकाली क्या है ये निकाली माइनस फाई वाई और फाई जेड ठीक है एंड मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली माइनस एफ एक्स और एफ़ वाई ठीक है तो यहाँ पे आपको मिला क्या यहाँ पे आपको मिल गया आ, फाई जेड का मतलब हो गया डेल फाई ओवर डेल जेड राइट और एफ़ वाई का मतलब हो गया डेल एफ ओवर डेल वाई राइट और डी जेड ओवर डी एक्स राइट तो यहाँ पे बराबर है मिल गया आपको फाई वाई का मतलब डेल फाई ओवर डेल वाई और एफ एक्स का मतलब हो गया डेल एफ ओवर डेल एक्स राइट तो आई थिंक यही आपको प्रूफ भी करना था हूँ तो कितना छोटा सा प्रूव है मैं थोड़ा सा टिक यहाँ पे है ना थोड़ी सी टिरकी है लेकिन प्रूफ बहुत आसान है इसका प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है बस ये आपको ठीक से देखना है कि यहाँ पे हमने कौन सी करोलरी इस्तेमाल की है और यहाँ पे कौन सी करोलरी इस्तेमाल की है राइट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वो क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान होने वाला